सुजुकी एवेन्यू 125 125 सीसी सेगमेंट में आने वाला एक ऐसा स्कूटर जो कि सबसे कम वजन के साथ आता है और फीचर भी आपको जबरदस्त ऑफर करता है। और 2024 में सुजुकी ने एवेन्यू को नए कलर ग्राफिक्स के साथ में अपडेट भी कर दिया है। तो क्या कुछ आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूं सुजुकी एवेन्यू 125 के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लुक्स एंड डिजाइन के साथ में शुरू करते हैं। एवेन्यू के अंदर आपको एक स्पोर्टी डिजाइन नजर आता है। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स आपको कंपनी ऑफर करती है और नीचे आपको एलईडी लाइटिंग सेटअप ऑफर किया जाता है। इस स्कूटर के अंदर कंप्लीट फाइबर बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, रियर के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया जाता है और रियर लाइट्स भी आपको एलईडी कंपनी ऑफर करती है। ओवरऑल अगर आप स्कूटर की लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है फाइबर के अंदर, जिसकी वजह से अगर आपका स्कूटर डैमेज होता है तो आपको पूरा पैनल चेंज कराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर जो पार्ट है वो आप चेंज करा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो सर्विस कॉस्ट है या फिर जो ओनरशिप कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। अब वैसे तो डिजाइन पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुजुकी एवेन्यू 125 आपको दिखने में कैसा लगता है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। बात करते हैं इस स्कूटर के इंजन की। तो यहाँ पर 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन कंपनी ऑफर करती है, जो आपको देता है 8.5 bhp की पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर और टॉर्क भी आपको इस स्कूटर के साथ में काफी जबरदस्त मिलता है और इसकी पावर जो है और जो इसका टॉर्क है वो आपको और बेहतर फील देता है इसके कम वजन के चलते। यहाँ पर कंपनी आपको 106 किलोग्राम वजन के साथ में ये स्कूटर ऑफर करती है, जो कि 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो काफी लाइट वेट मशीन बन जाता है। इसी के साथ साथ जो सीट हाइट है वो आपको 780 mm की मिलती है, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर भी इस स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। और जो इस स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm, जिसकी वजह से खराब रास्तों में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ओवरऑल जो वेट है, जो डायमेंशन है, उन पर भी सुजुकी ने काफी अच्छा काम किया है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये स्कूटर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बात करें यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो एवेन्यू के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, रियर के अंदर ड्रम ब्रेक आता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में स्कूटर आता है, जिसकी वजह से बरसात वगैरह के समय में भी आराम से आप इस स्कूटर को कंट्रोल कर सकते हो, आपका स्कूटर जो है वो स्किड नहीं होता है। और टायर्स की बात करूं तो फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, रियर के अंदर 10 इंच के अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। तो 12 और 10 का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा सुजुकी एवेन्यू के साथ में। अब बात करते हैं फीचर्स की। भाई फीचर्स क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है, तो फीचर के मामले में भी ये स्कूटर पीछे नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे जबरदस्त फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि सुजुकी एवेन्यू के अंदर आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जैसे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आपको मिलता है, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्ट का फीचर भी आपको मिलता है। अगर आप अपना फोन कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट, व्हाट्सएप मैसेज अलर्ट जैसी इन्फॉर्मेशन आपको इस डिस्प्ले पर नजर आएंगी। स्विचेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच मिलता है आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच के साथ में, जिसकी वजह से इसको यूज करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और स्कूटर से हमारी जो डिमांड होती है वो होती है स्पेस की, तो स्पेस के मामले में भी ये स्कूटर काफी अच्छा है। आगे की तरफ आपको दो पॉकेट्स मिलते हैं, दोनों ही पॉकेट्स में आप आराम से अपना फोन वगैरह जो है वो रख सकते हो। और इस पॉकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक USB चार्जिंग पोर्ट भी कंपनी ऑफर करती है। सामने की तरफ अच्छी जगह है जहाँ पर आराम से अपना थैला वगैरह आप रख सकते हो, एक हुक मिलता है उस पर आप हैंग करा सकते हो। और अंडर सीट आपको 21.8 लीटर का स्पेस मिलता है, जिसके चलते आपका हाफ फेस हेलमेट जो है वो आराम से आ जाएगा। टेल सेक्शन में देखोगे तो स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स है और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी भी इस स्कूटर के साथ में काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कीमत की। तो जैसा मैंने पहले कहा, 2024 में इसको नए कलर ग्राफिक्स के साथ में अपडेट मिला है। और कीमतों की बात करें तो दो वेरिएंट में आपको स्कूटर मिलता है, स्टैंडर्ड और रेस एडिशन। शुरुआती कीमत है 92,000 रुपीज एक्स शोरूम, जो कि स्टैंडर्ड की है। रेस एडिशन के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्चने होंगे, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखो तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। काफी सारे स्कूटर्स आपको 125 सीसी सेगमेंट में मिलते हैं। वहां पर सुजुकी एवेन्यू आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।